बैठ जाए भैया, जो जो जहां जहां जगह मिले बैठ जाए, कृपया करके बैठ। कुर्सी नहीं है या पैसे पूरे नहीं दिए थे? आप भी बैठ जाए सर, कहीं बैठ जाए। तो शुरू करें। yes. तो दोस्तों, मेरा नाम अभी भी वीरेंद्र प्रताप सिंह है। जैसा कि मैम ने बताया। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर है सबको? yes! मेरी नेपाली समझ में आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ना भी बोलते, बोलता तो मैं तब भी नेपाली में ही। कुछ कहते आप वाली समझ में नहीं आ रही जी। अच्छा, मुझे भी आप वाली सारी समझ में आई है। ऐसा नवीन सर बार बार मुझसे पूछ रहे थे, कुछ समझ में आया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ना बोल दू क्या पता फिर आपस में कुछ भी कह रहे हो। ऐसा हाँ बोल के चलो, बंदा डरा रहता है थोड़ा सा, कुछ भी बोलने से पहले सोचता है कि बंदे को समझ में आ ना आ जाए। हाँ, तू ही रह गया था, कहाँ है? ये देश का भविष्य, लेकिन हमारा वर्तमान खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खुशी है यार आप सबके बीच में आकर, एज यूजुअल। और बस करो भैया, बस करो भाई। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है यार। ऐसी फंकी बातों में बड़ी मजा आता है लोगों को, तुम ऐसे करते रहो है। मुझे भी कहां ले आया, इतना अच्छा मनोरंजन चल रहा था। कुछ लोग कहते थे नाच गाना चल रहा है, ये कहां है लेक्चर पेक्चर देने के लिए आ गए। अच्छा, कैसा लगा अभी तक का सेशन वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये कुछ लोगों को माता सवार हो। अच्छा मेरी, अच्छा दोबारा पूछ लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी आवाज और आपकी तालियां और आपकी गड़गड़ाहट से मालूम चलना चाहिए अभी तक का सेशन कैसा रहा। कुछ लोग अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, किसी का डांस आपको समझ में ना आया हो। थोड़ा हिल डुल लो यार, मतलब ऐसा ऐसा मत करो। तो मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, चलो दोबारा पूछ लेता हूँ। तो अभी तक का सेशन कैसा रहा माय डियर फ्रेंड्स? अब लग रहा है कि ये कुछ बात है, अब लग रहा है चाय के साथ बिस्कुट भी लिया था आपने। कह रहे इसको कैसे मालूम, ये कहाँ देख रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अभी वीरेंद्र प्रताप सिंह है, जैसे कि मैंने बताया। और आई बिलोंग्स टू यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और बड़ा लंबा वक्त लग गया मुझे आपके नेपाल तक पहुंचने के लिए। मुझे आज भी याद है कि मेरा स्वप्न हुआ करता था नेपाल की धरती पे कभी आने का, जब मैंने नेपाल के बारे में जाना समझा। क्योंकि यही एक ऐसी विदेश यात्रा है जो हर एक इंडियन कर पाता है लगभग। बाकी तो बहुत सोचना पड़ता है ना। तो चार दो दिनों से मैं लगभग आपके नेपाल में हूँ, कल ही आ गया था मैं। तो तब से मैं बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ विदेश आया हूँ, बाद में बात करूंगा। तो यही एक ऐसी विदेश यात्रा है जो लगभग हर एक इंडियन या हर एक यूथ अपनी यात्रा साकार कर पाता है। तो मैं भी विदेश आ चुका हूँ फाइनली। मेरा स्वप्न हुआ करता था कभी नेपाल की पावन धरती पे आना माय डियर फ्रेंड्स। मुझे आज भी याद है जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो सपना देखा करता था, मेरा एक यू नो एक उम्मीद सा था कि काश कभी नेपाल भी जाना होगा क्या, क्योंकि नेपाल के बारे में मैंने सुना बहुत था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जानने का अवसर मुझे आज से करीब करीब एक वर्ष पहले जानने का मौका मिला। मैं पहले तो आप सबको अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ फॉर योर फर्स्ट एनिवर्सरी। एंटायर टीम ग्लोबल डायनेमिक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक साल बहुत सक्सेसफुली अपना इन्वेस्ट किया एंटायर प्लेटफॉर्म में। मैं देखकर भी हैरान था माय डियर फ्रेंड्स। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक साल पहले नवीन अधिकारी सर से रूबरू हुआ। पहले तो जूम पर ही मिले थे, आधा आधा ही देख रहे थे एक दूसरे को। ये भी कंफ्यूज थे पूरा है कि नहीं मैं भी सामने।